दूसरी बार देख रहे, तो मुझे इतना ज्यादा मतलब याद नहीं रहता अभी। आई गेस मतलब फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू वॉच इट, और यहाँ पे तड़प ही ऐसी है। सो या हाउ दिस वीडियो बाय बीट्स मीमर इज गोइंग टू बी, चलिए देखते। ये बढ़िया था वो। बुद्धि बहुत थी। टेंट का कलर क्या था? क्या किसका? इमोशनल डैमेज। येलो था। अरे भैया है। क्या कर रहे हैं तू?
मेरे पापा ने 20 साल पहले मुझे एक एडवाइस दी थी जब मेरी शादी हो रही थी. उन्होंने कहा कि बेटा अपने हस्बैंड को कभी तू या तुम करके मत बुलाना, हमेशा आप करके बुलाना. ये मत पूछो क्यों, बस जैसा बोलता हूँ वैसा करो. अच्छा ऐसा क्या, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ ये तो बताओ. उससे हमें एक बहुत बड़ा फायदा हुआ. उस मर्यादा की वजह से हमारे कभी गंदे से सार्केस्टिक से गाली गलौज वाले या ऊंचे वॉल्यूम वाले झगड़े हुए ही नहीं. क्योंकि जब किसी को आप करके बुलाते हैं तो दिमाग और जुबान दोनों की एक मर्यादा होती है. तो देवी जी के अकॉर्डिंग अगर कोई लड़की अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करेगी तो कुछ इस प्रकार बात करेगी. पति जी जो बना है प्लीज खा लीजिए, ज्यादा कान ना फुलाइए वरना अगली बार खाने की जगह चप्पल परोसूंगी मैं. पति जी उठ जाइए ना, सुबह हो गई है. देखो अगर 5 मिनट में आप नहीं उठे ना तो सच्ची बता रही हूँ मेरा बेलन उठ जाना है. यार बढ़िया बढ़िया एडिट्स और बढ़िया मीम्स. यार ये कैसे कैसे छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको दिखाई भी नहीं देती इन द व्हाट वी कैन से मतलब वीडियो में और रील्स में जो कुछ भी बोलो आप ऐसे बढ़िया. आप तो खतरनाक भाई साहब, मतलब मजा आ गया. और स्टार्टिंग में जो एडिट्स वेडिट्स सारे थे एकदम मतलब द गाने के साथ जो सिंग किया है सारे मीम्स को रख के बढ़िया एकदम. एंड ऑल्सो वो वाला एक यार ये रॉन्ग नंबर रहा मेरे को बहुत बार आते हैं और मतलब वो एक नंबर ही मतलब 10 बार कॉल करता है यही नंबर है यही नंबर है बोल के मैंने बोला रॉन्ग नंबर मैं आपको नहीं पहचानती मैं नेक्स्ट टाइम ये वाला हैक ट्राई करूँ पक्का यार पक्का. आई लव दैट. सो या दैट इज इट फॉर टुडे. अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सो प्लीज़ फॉलो दैट टू. थैंक यू.